अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्पोर्ट्स नेट्स के साथ आपका दोस्त चिराग बलोच आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर है। और जिस तरह से आपसे वादा किया है कि मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर आपको अपडेट देते रहेंगे, खास करके जो ICC चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियां चल रही है, जो एक अपग्रेडेशन का काम चल रहा है स्टेडियम्स का, उसका भी आपको बताएंगे। खास करके कजाफी स्टेडियम काफ़ी हद तक जो है काम होने वाला था, जो कि अभी जारी है, उसके बारे से मैंने कहा था आपको अपडेट देंगे। अभी भी मैं यहाँ पर कजाफी स्टेडियम के अंदर यहाँ पर मौजूद हूँ। पहले मैंने आपको इससे पहले जो अपडेट दी थी वो थी वाटर टैंक की अपडेट थी। अभी इस वक्त जो है मैं स्टेडियम मौजूद हूँ। अभी की सूरत हाल आपको मैं दिखाता हूँ जो करंटली चल रही है। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखा सकूँ तो ये देखें, यहाँ पर जो है वो काम जारी है। ये मशीन भी आप देख सकें यहाँ पर, कि यहाँ पर मशीन भी जो है वो पहुँच चुकी है और काम बड़ा तेज़ी से जारी है माशाल्लाह। इस वक्त भी देखें तो ये जो यहाँ पर एक टनल बनाई गई थी, ये टनल आप देख सकते हैं। इस टनल को जो अब फिल किया जा रहा है, यहाँ पर इस पर जो है वो कंक्रीट वगैरह जो आ चुकी है, यहाँ पर जो है वो स्टील का काम हो रहा था, उसी के हवाले से अगर आप देखें तो ये उसको फिल करने के लिए यहाँ पर ये पहुँच चुकी है। और साथ में ये देखें यहाँ पर जो है वो स्टैंड्स के वो जो पिलर्स बनाए गए हैं यहाँ पर स्टैंड्स को बनाने के लिए, सपोर्ट देने के लिए। एक ये भी आपके लिए नई अपडेट है बिल्कुल, अगर आप देखें तो ये देखें पिलर्स बन चुके हैं। अब यहाँ पर स्टैंड्स को जो है वो सपोर्ट देने के लिए पिलर बनाए गए हैं। यहाँ पर शायकीन जो है वो अब बैठेंगे और यहाँ पर जो है वो एक पूरा स्टैंड बनेगा, इंक्लोजर जिस तरह से बनता है उसको आप अगर देखें तो। एक नई अपडेट है बिल्कुल, ये अभी तक आपको शायद कहीं भी नज़र ना आई हो, ये बिल्कुल ही लेटेस्ट और न्यू अपडेट है। आप एक स्टेडियम के हवाले से अगर देखें तो इससे पहले ये चीज़ें जो बिल्कुल नहीं थी, मैंने पिछली वीडियो भी की थी तो उसके अंदर ये चीज़ें नहीं थी। ये अब नया यहाँ पर काम शुरू हो चुका है। यहाँ पर पिलर्स जो स्टैंड के लिए सपोर्ट है वो नीचे से देने का काम शुरू कर दिया गया। और तमाम तरह भी मैं आपको अपडेट दूँ तो ये देखें तमाम जो इनक्लोजर्स थे उनको मुकम्मल तौर पर गिरा दिया गया। पहले तमाम तरह मुकम्मल नहीं गिराए थे, कुछ रहते थे, अगर आप देखें उसके ऊपर शेड भी जो है आपको अब मुकम्मल तौर पर गिरे हुए नज़र आएंगे। ये देखें आप बिल्कुल ही जो है वो इस टाइम स्टेडियम जो है वो एक इस वक्त जिस बिल्डिंग पे मैं खड़ा हुआ हूँ, अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो इस बिल्डिंग के अलावा तमाम तर स्टेडियम जो है वो नया बनेगा। इस वक्त ये आप देखें तो तमाम तर ये गिर चुकी है और ये सामने आपको नज़र आ रहा होगा, ये मेन बिल्डिंग बन रही है इस वक्त। और मेन बिल्डिंग के ऊपर भी काम जो बड़ी तेज़ी से जारी है और बड़ी ही एक अच्छी सिचुएशन जो है वो बन रही है, क्योंकि बड़े तेज़ी से काम जारी है। और ये अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो ये एक डेमो टाइप जो है वो एक लगाया गया है, जिस तरह से ये बनाया जाना है, ये ख़ास करके जो सीटिंग बनाई जानी है फैंस के लिए, ये उस तरह से होगी, उसके ऊपर सीट्स वगैरह जो है वो लगाई जाएंगी। तो ये एक एग्जाम्पल के तौर पर जो है उसको किया गया है, बल्कि ये एक तरह से कह सकते हैं एज अ सीढ़ियाँ भी इसलिए इस्तेमाल हो रहा है कि यहाँ पर जो गिराए जाने का काम है उसके थ्रू ऊपर चढ़ के यहाँ पर जो मज़दूर काम कर रहे हैं उन्होंने यहाँ पर चीज़ों को जो है वो किया था, ये जो ऊपर शेड्स वगैरह लगाए गए थे। इसी तरह से अगर ये आपको बताऊँ तो ये स्क्रीन जो है इसको भी अब मुकम्मल तौर पर गिराया जाना है। इसके भी तमाम तर जो है वो इसके पीछे एनक्लोजर्स को भी मुकम्मल तौर पर गिरा दिया गया और यहाँ पर जो है वो नया जो है वो तैयार किया जाना है। आप देखें यहाँ बिल्कुल एनक्लोजर नहीं तैयार होंगे, इसको भी आप कुछ दिनों के अंदर जो है इसको भी गिरा दिया जाएगा, जो ज़राए की जानक से मुझे बताना है। इसी तरह से अगर मैं आपको मज़ीद अपडेट दूँ तो ये आप देखें तो ग्राउंड के अंदर भी काम जो है वो इस तरह से जारी है, उसको पानी शानी देने का काम, किसी भी स्टाफ जो है वो यहाँ पर पानी दे रहा है। तो तैयारियाँ जो है वो भरपूर तरीके से जारी हैं। हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते जिस तरह से इंडियन मीडिया गलत प्रोपोगेंडा कर रहा है कि पाकिस्तान का जो है वो अल्तवा का शिकार है, आहिस्ता काम चल रहा है, इस तरह बिल्कुल भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है और काम बड़ा तेज़ी से जो है वो जारी है। अभी भी ये सूरत आला मैंने पूरा ग्राउंड आपको दिखा चुका हूँ यहाँ पर, तो पूरा ग्राउंड जो है वो बड़े तेज़ी से काम हो रहा है यहाँ पर जो काम, और यही उम्मीद की जा रही है जिस तरह से है। और पीछे कुछ रोज़ कबल PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी ने भी यहाँ पर जो है वो की थी, यहाँ पर आए थे, यहाँ पर उन्होंने जो है वो दौरा किया था और उन तमाम तर तफसीलात के जायजा लिया और उन्होंने कहा कि मुझे हर सूरत में जो है वो ये स्टेडियम टाइम से पहले मुकम्मल चाहिए और साथ में ना सिर्फ मुकम्मल चाहिए बल्कि इसका मेयार भी जो है वो मुझे अच्छा चाहिए। सर ये ना हो कि वक्त से पहले चीज़ मुकम्मल कर ली जाए, उसका मेयार अच्छा ना हो, उन्होंने कहा उसका क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए और साथ में वक्त से पहले मुकम्मल भी होना चाहिए। और दूसरी तरफ अगर आप ये देखें स्टील के जो एक कॉलम्स जो हैं वो निकालने का काम शुरू किया गया था, स्टील स्ट्रक्चर के ऊपर ये खड़ी की जानी है तो उसके कॉलम्स भी अब बाहर निकाले जा चुके हैं। तो एक बड़ी अपडेट जो है वो मैंने कहा आपको दे दूँ, ये अब तक की सूरत हाल जो है वो मैंने आपको अपडेट दी है और ये बड़ी एक जो है वो अच्छी प्रोग्रेस जा रही है अभी तक का हाल। जिस तरह से जो अपडेट है इसके हवाले से मैंने कहा मैं आपको बता दूं, तमाम तर स्टेडियम के नई जो भी अपडेट होगी वो भी आपको बताऊंगा। खास करके ये सबसे बड़ी अपडेट थी आज की, जो कि यहाँ पर पिलर्स निकाले गए हैं सपोर्ट देने के लिए, शायकीन के बैठने के लिए जगह बनाई जानी उसको सपोर्ट देने के लिए ये यहाँ पर जो है वो अब पिलर्स निकाले गए। ये बिल्कुल न्यू अपडेट है, ये जो राजाज एनक्लोजर होता था ये यहाँ पर राजाज और अब्दुल कादर एनक्लोजर ये यहाँ पर जो है वो बनाए गए हैं बिल्कुल, ये FC कॉलेज एंड की वाली साइड पे जो आपको ये पिलर्स नज़र आ रहे होंगे।